हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माता रानी कुशल मंगल रखें। सर्व मंगल मांगलिके शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी के परिवार में खुशहाली आए। आप सभी समृद्धवान हो, धनवान हो, व्यक्तित्ववान हो, नैतिकवान हो, यही मेरी कामना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको यह बताने वाले हैं कि यह ब्लॉग क्यों शूट किया जा रहा है। तो आप जैसे हमारे ललाट पर जो है देख रहे होंगे कि तिलक लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही नहीं लगा है। अभी हमारे यहाँ रात्रि में रामलीला का मंचन होगा, क्योंकि हर साल नवरात्र में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें हमारा भी अहम भूमिका रहता है, जिसमें ब्रह्मा जी का रोल रहता है और विश्वामित्र का रोल रहता है। इस बार एक अहम रोल को और ऐड किया गया है, जिसमें हमारा रोल रहेगा विभीषण का। हमने विभीषण का रोल इसलिए अदा करने के लिए लिया क्योंकि देखिए, जब रावण और विभीषण का संवाद होता है, जब विभीषण रावण को समझाता है कि हे भाई, ऐसा अत्याचार मत करो, तो उस वार्तालाप में ऐसी ऐसी बातें विभीषण के द्वारा कही गई हैं जो रामायण का एक अमृत काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह रोल करना हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली रहेगा और इस रोल को अदा करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो पहला दिन है रामलीला मंचन का, उसमें हमारा ब्रह्मा जी का रोल रहेगा, जिसमें सभी देवगण आएंगे हमारे पास याचना करने के लिए कि रावण जो है पूरे पृथ्वी पर अत्याचार मचाया हुआ है, क्योंकि हमसे ही वरदान प्राप्त करके, यानी कि ब्रह्मा जी से ही वरदान प्राप्त करके रावण पूरे पृथ्वी पर, पूरे भारतवर्ष पर अत्याचार करता है, तीनों लोकों में अत्याचार करता है, जिससे पूरी प्रजा और जिसमें सभी देवगण भी जो है अत्याचार से परेशान रहते हैं और इस कारण से हमारे पास आते हैं। तो उनको उपाय बताया जाता है, ब्रह्मा जी द्वारा उपाय बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है रावण का वध होगा, किस प्रकार से पूरी प्रजा जो है खुशहाल होगी। तो ये आज का मुख्य मुख्य रोल है, जिसमें हम रोल अदा करेंगे। और यह तिलक जो है अभी से लगा लिए हैं घर से ही हम जो है, ताकि वहाँ पर तिलक लगाने की कोई व्यवस्था ना हो जो है। और लगभग लगभग सभी पात्र अपना मेकअप वगैरह स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि कई सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है, तो सभी पात्र अपने आप में जो है एक, जिसको कहते नहीं, अनुभव, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, सभी पात्र अनुभवी हो चुके हैं और अपना अपना रोल के अनुसार जो है वो सभी लोग मेकअप कर लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक बात मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज के रामलीला का उद्घाटन करेंगे पहले दिन का, वो बड़ी जानी मानी हस्ती है, जिसमें उनका नाम है राजेश मसाला, जिनको राजेश अग्रहरी है और राजेश मसाला के नाम से विख्यात हैं। पूरे भारत वर्ष में, जो पूरे भारत में उनका मसाला जो है हर घर में जो है जाता है और उससे स्वादिष्ट सब्जियां बनती हैं। तो हमारे बाजार में व्यापार मंडल अध्यक्ष राम सूरत साहू द्वारा आमंत्रित किया गया है, रामलीला कमेटी के द्वारा आमंत्रित किया गया है, जिसमें उनको आमंत्रित किया गया है कि आइए और रामलीला का उद्घाटन करना है आप ही कहीं श्री चरणों से। तो उन्होंने एक बात भी नहीं कहा कि नहीं हमारे पास व्यस्तता है, उन्होंने फौरन कहा कि हम आएंगे, जरूर आएंगे। तो आज की रामलीला का जो उद्घाटन है राजेश मसाला जी की तरफ से है, वो आएंगे, रामलीला का उद्घाटन करेंगे। आप सभी मानस प्रेमियों से आग्रह भी है कि आप सभी लोग रामलीला या धार्मिक, कोई भी धार्मिक कार्य है, उसको प्रोत्साहन दें, उसको अपने जीवन में उतारें। आप सभी से यह मेरी कामना है, यह मेरी इच्छा है, विनती है, सौहार्द है। तो अब आप एक जान लीजिए कि जीवन एक ऐसी शैली है, अगर व्यक्ति को जीना है, व्यक्ति को खुश रहना है, तो उसको विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी जीवन जो है आगे जा सकता है। तो इसी प्रकार से वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हुए मैं आपको बताऊं कि हर रोज़ आपको जो है ब्लॉगिंग के माध्यम से पूरे रामलीला का जो है ब्लॉगिंग दिखाया जाएगा। तो बने रहिए, हम लोग मिलते हैं वीडियो शूट करने के बाद रामलीला का। तब तक के लिए धन्यवाद।
व्यापारी संगठित और सुरक्षित हैं, इसके लिए मैं हृदय के अंतःमन से आपको, आपकी पूरी रामलीला कमेटी को हृदय से बधाई देता हूं। देखिए, हम सब रामलीला का मंचन करते हैं। हमारे बाप दादा पुरखा सदियों से, हजारों साल से रामकृष्ण की जय जयकार करते आए और सबका उद्धार हुआ। राम नाम ऐसा नाम है जो सबका उद्धार करता है। हमें आपसी भाईचारा सिखाता है, आपसी सहयोग सिखाता है, लेकिन राम और कृष्ण को मानने वाले लोग ये भी जाने, जो आपके पुरखों को गाली दे उसको भी आप ध्यान से सुने और उसको ऐसा उनको हिम्मत न हो, इसकी भी व्यवस्था आपको ही करनी है। भगवान राम एक ऐसा चरित्र है जो प्रेम के भसीभूत अपने सभी भक्तों का कल्याण किया है। आप सब जानते हैं, जब राम के पिता का स्वर्गवास हुआ तो उनको वो कंधा नहीं दे पाए, लेकिन जो राम का प्रेमी था गिद्धराज, उसका जब अंत हुआ तो भगवान ने अपने बाहों में लेकर के उसका अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया। प्रेम और भक्ति की ये ताकत होती है। हम सब सनातनी हिंदू हैं, राम कृष्ण माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, हम सब मानव को एक समान देखते हैं। रामचरितमानस में जो कहा गया है उसकी भी अगर ये लोग व्याख्या करें, जो तिरस्कार करने की बात करते हैं कि राम के समान राम का रूप एक बच्चे से लेकर के हर पशु पक्षी तक देखा जाता है, तो मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता और भाईचारे के लिए इससे अच्छा न कोई ग्रंथ है और ना इससे अच्छा कोई चरित्र है। मुझे आने का अवसर मिला, मैं भी किसी जन्म का हमारा पुण्य था कि ढेमा बाजार के लोग मुझे ऐसे पुनीत कार्य में बुलाते हैं और मुझे भी यहां आने का अवसर मिलता है। राजेश प्रसाद, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक उन्नत ढेमा वासियों का हो और भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनके बच्चे संस्कारी हो और भगवान राम की जो रामलीला होगी इस रामलीला से प्रभावित होकर के मानव पे और पशु पक्षी पर दया का भाव इनके अंदर जागे। आप देखते होंगे एक गैया बछड़ा जो घूमते रहते हैं, अगर हम उनको एक रोटी ना दें, कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। ये भारतवर्ष है, लोग कुल्हाड़ी से पूछ काटते हैं, टेकनी से मार देते हैं। अरे भगवान ने जन्म दिया है उनको भी, वो भी जानवर है लेकिन जीव है, अगर हम उनको कुछ दे ना सकें, उनको हानि भी ना पहुंचाएं। और देखिए, मनुष्य एक ऐसी जाति है जो पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे तक के सृजन की जिम्मेदारी भगवान ने, मनुष्य ही ये सब करता है। और हमारे बीच में रामगंज के इंस्पेक्टर साहब, इनकी पूरी टीम यहाँ विराजमान है, सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी इनकी है और मैं समझता हूँ कि काबिले तारीफ इनका काम है। और दो तीन मामले ऐसे हुए जहाँ इन्होंने पूरी ईमानदारी से खोला, इसके लिए मैं रामलीला के मंच से आपको, आपकी टीम को बधाई देता हूँ। पहले लोग कहते थे कि 10 रुपया अगर कहीं चोरी डकैती होती है तो उसमें से पुलिस आधे जमा करती है, ये ऐसा उदाहरण मिला, समाज ने कहा और जिसके यहाँ डकैती हुई उसने कहा कि मेरा जो गया पूरा मिल गया। इसके ईमानदारी के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
चीज और जान लीजिए, हम सब व्यापारी हैं, कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले किसका मुद्दा बात करते हैं? पुलिस प्रशासन, यही करते हैं। लेकिन आप बताओ, पूजा पाठ से लेकर के और अंतिम क्रिया तक यही पुलिस हमारा साथ देती है। तो अगर हम इनके किसी काम से दुखी होकर के इनके विरोध में नारा लगाते हैं तो इनके जो अच्छे काम है उसके लिए हम सब समाज को इनका धन्यवाद भी देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपकी रामलीला पूरा रामचरित मानस का जो सजीव वर्णन आप करेंगे निर्विवाद रूप से चलता रहे, इसके लिए मेरी शुभेच्छा और बधाई, धन्यवाद। बड़े भैया से मैं निवेदन करूंगा, भैया बड़े भैया से मैं निवेदन करूंगा इस समय Yeah.
आज इस रंगमंच की